व्हाट्सअप गाइस, अगर आपके पास भी 2 GB वाला मोबाइल है और आप कस्टम खेलते हैं 8 GB वाले मोबाइल के साथ, तो आपको हरा देता है और ऐसा ऐसा इमोट मारता है, मतलब कि उसको ये समझ में नहीं आता कि उसके पास 2 GB वाला मोबाइल है बेचारा और आपके पास है 8 GB वाला, तब आप उससे ज़्यादा बढ़िया खेल सकते हैं। उसकी जो स्पीड होगी बहुत ही बढ़िया होगा और मूवमेंट और भी ख़तरनाक होगा। लेकिन दोस्तों, मैंने ऐसे बंदे को देखा है जिसके पास 2 GB वाला मोबाइल है और बहुत ही तगड़ा गेम प्ले करता है। अगर उसके पास 8 GB वाला मोबाइल आ जाएगा, मतलब कि वो PC प्लेयर को भी आसानी से हरा सकता है। उसका गेम प्ले बहुत ही सुपर होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जिसके पास 2 GB वाला मोबाइल है, 1 GB वाला मोबाइल है, उनका जो बार बार लैग होता है वो प्रॉब्लम दूर करने वाला हूं। बस दोस्तों, आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको रिडीम भी मिलता रहता है। इस चैनल पर आपको हमेशा रिडीम मिलता रहेगा। बस आपको काम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आपको वीडियो को लाइक करना होगा, नीचे कमेंट अपना डालना होगा, आईडी फ्री फायर का अपना आईडी डाल दीजिएगा। बस एक बंदे को मैं चूज करूंगा और उसे रिडीम भेज दूंगा। तो ये अगर आप करते हैं तो आपको फ्री में रिडीम मिल जाएगा। कितने का मिल जाएगा? 80 से 500 के बीच में रिडीम मिलेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गेम प्ले में, जिसके पास 1 GB है या 2 GB है, उनके मोबाइल में बहुत ज़्यादा लैग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हो सकता है रैम की वजह से या प्रोसेसर की वजह से, यही सोचते हैं सभी लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। और आप सोचते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन दोस्तों इसका इलाज, सबका एक इलाज होता है, एक जुगाड़ होता है। तो वही दोस्तों मैं जुगाड़ बताने वाला हूँ। बस दोस्तों, जो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बस आपको उसे फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं रैम की। अब रैम क्या काम करता है, प्रोसेसर क्या काम करता है? अगर आपके पास इंटरनल स्टोरेज बहुत ज़्यादा कम है, तब दोस्तों रैम उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 GB वाला मोबाइल है या 2 GB वाला मोबाइल है और उसका इंटरनल स्टोरेज 8 GB है, तो मतलब कि और बहुत सारे फोटोज, वीडियोज या बहुत सारे एप्लीकेशन आपने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे होंगे, तो दोस्तों उसका वो भी दोस्तों रैम लेता है और प्रोसेसर आपका उसमें वर्क करता रहता है। जब भी आप फ्री फायर खेलते हैं तो वहाँ पर दिक्कत होती है लैग, इसी कारण लैग होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके पास 1 GB या 2 GB है, सबसे सिंपल चीज़ मैं सीधा बात बता रहा हूँ आपको क्या करना होगा। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड मत करिए, ना फोटो रखिए ना वीडियो रखिए। उस मोबाइल में ना फोटो होना चाहिए ना कोई वीडियो होने चाहिए, और कोई एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, जो ऑलरेडी मोबाइल पहले से रहता है वही रहना चाहिए। और आपको फ्री फायर डाउनलोड कर लेना होगा। बस दोस्तों यही करना होगा, देखिए कुछ हद तक आपका लैग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगली चीज़, आप गेम के ऊपर देखे होंगे एक्सपेंशन पैक, तो इसको अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो इसे डिलीट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा रैम नहीं लेगा, क्योंकि एक्सपेंशन जो पैक होता है वो बहुत ज़्यादा रैम लेता है, प्रोसेसर बहुत ज़्यादा आपका मोबाइल का खींचता है और बैटरी भी ज़्यादा खींचती है। क्योंकि दोस्तों इसमें होता क्या है कि इसमें जितने गन स्किन है या दोस्तों आपके पास जो ड्रेस है, बंडल है, वो नज़र नहीं आएगा। जैसे कि एक एडम चचा जैसे पहनते हैं, उसी तरह सभी बंदे का नज़र आएगा, और जब ऐसा होगा तो वहाँ पर स्टोरेज बहुत ही कम लेगा। गन स्किन अगर आपके पास है, अगर आप इसे डिलीट कर देते हैं, लेकिन गन स्किन वर्क करेगा, सिर्फ आपको दिखेगा नहीं बस, लेकिन वर्क 100% करेगा। और दिखना ज़रूरी नहीं है दोस्तों, आपका गेम प्ले अच्छा होना चाहिए। और एक्सपेंशन पैक हमेशा अपडेट होता रहता है, जैसे कि फ्री फायर हमेशा अपडेट होता रहता है, 1-2 महीने बाद अपडेट आ जाता है, तो उसी के साथ दोस्तों लैग भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उसकी रैम और उसका जो साइज होता है बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाता है तो आपका मोबाइल का स्टोरेज उतना ही रहता है, रैम उतना ही रहता है, गेम प्ले करते करते और भी ख़त्म होने लगता है और गेम और भी तगड़ा होने लगता है, तो इसीलिए दोस्तों लैग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अब दोस्तों, जो चौथे नंबर पर ट्रिक आता है, ये है, मतलब कि ये गलती है, ये कोई ट्रिक नहीं है, जो सभी बंदे करते हैं। अगर आपके पास 2 GB है, 1 GB है, 3 GB है, वो क्या करते हैं कि अल्ट्रा मोड पर अल्ट्रा को सेलेक्ट करके गेम प्ले करते हैं। वो सोचते हैं कि उनका जो गेम प्ले है बहुत ही HD नज़र आएगा, शैडो सब कुछ नज़र आएगा, और बाकी जो हाईलाइट, कलर करेक्शन, ये सब दोस्तों बहुत ही अच्छे से नज़र आएगा। नज़र तो आता ही है, लेकिन दोस्तों उनके लिए नहीं बना है। जिनके मोबाइल में 2 GB, 3 GB, 4 GB है, तो उनके मोबाइल के लिए ये नहीं बना है, उनके लिए स्टैंडर्ड मोड बनाया है। स्टैंडर्ड मोड का मतलब कि अगर आप उसे सिलेक्ट करते हैं तो उसमें होता क्या है कि जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद
फ्री फायर समझ लेगा कि आपका कितना स्टोरेज है, कितना रैम है, वो समझ लेगा और उसी के हिसाब से आपको उतना क्वालिटी, उतना दोस्तों आपको अल्ट्रा नहीं देगा, थोड़ा सा लो देगा सभी चीज़ें, और आपको अच्छा गेम प्ले देगा, मतलब कि स्मूथ गेम प्ले देगा, चाहे जैसे स्टैंडर्ड पर। तो आपको स्टैंडर्ड सेट करना होगा, अगर आप स्मूथ सेट करते हैं तो स्मूथ भी रहने दीजिए, स्टैंडर्ड सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास 6 GB है तब भी दोस्तों स्टैंडर्ड सेट करिए, क्योंकि दोस्तों वो पता लगा लेता है कि आपके मोबाइल की औकात क्या है। अब दोस्तों जो लास्ट और ज़रूरी चीज़ है ये है दोस्तों, बहुत लोग गलती करते हैं कि बैटरी सेवर ऑप्शन को यूज करते हैं, जैसे कि अगर आपके मोबाइल में बैटरी सेवर का ऑप्शन है उसे आप यूज करना बंद कर दीजिए, और जिनके मोबाइल में नहीं है वो डाउनलोड कर लेते हैं कोई भी एप्लीकेशन बैटरी सेवर वाला, वो सोचते हैं कि इसको डाउनलोड करने से हमारा बैटरी सेव होगा। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ऐसी कोई भी एप्लीकेशन, तो आपका बैटरी और भी जाता है और भी खर्च होता है, क्योंकि वो भी दोस्तों एप्लीकेशन जो डाउनलोड करते हैं वो भी दोस्तों आपका बैटरी चूसता है। तो इसीलिए दोस्तों ये गलती कभी भी मत करिएगा, मैं हाथ जोड़ता हूँ आप ये गलती दोबारा मत करिएगा। और दोस्तों जो मैंने आपको ट्रिक बताया, अगर आप इसे फॉलो करते हैं प्रॉपर तरीके से, मतलब कि जो जो स्टेप मैंने आपको बताया सभी फॉलो करते हैं, तो देखिएगा कि आपका 80% तक लैग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो है पिन के ऊपर, जिसका हाई पिन हो जाता है और 999 शो करने लगता है, स्टॉप हो जाता है, पिन चला जाता है, तो उनके लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। और रिडीम कोड पाने के लिए मैंने आपको बताया क्या क्या आपको काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और नीचे आपका यूजर आईडी देना होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट।